ये आज का जो कार्यक्रम हुआ है रीक्लेइंग सेरेमनी का, एक बहुत ही अहम, बहुत ही इमोशनल कार्यक्रम रहा है, क्योंकि इस आज के दिन हमने स्वर्णिम विजय मशाल जो हमारे साथ में है, ये आप सामने देख रहे हैं, इसकी प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में हमने जो 1971 वॉर की लड़ाई के अंदर जो हमारे सिपाही सोल्जर्स, हमारे कश्मीरी नागरिक शहीद हुए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर करने के लिए, उनको इज्जत बख्शने के लिए, इज्जत देने के लिए आज ये पूरा कार्यक्रम करा दिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि आज का ये मौका स्पेशली चिनारपुर के लिए इस वॉर मेमोरियल में क्यों अहम है। वो इसलिए है कि चिनारपुर अपने अलग अलग क्वार्टर रूपों के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर के अंदर अपना एक अच्छा नतीजा देता आया है। और इसके दौरान आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि 1947 की लड़ाई के अंदर, 62 की लड़ाई के अंदर, 65 की लड़ाई के अंदर, 71 की लड़ाई के अंदर, कारगिल की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चिनारकोर ने के सिपाहियों ने कश्मीरी भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ी और फतेह हासिल करी है। अक्टूबर 27 1947 में जब पहली बार श्रीनगर एयरपोर्ट के अंदर, एयरफील्ड के अंदर इंडियन आर्मी की सेना, इंडियन आर्मी ने पहला लैंडिंग किया और कदम रखा, उसके बाद से लेकर के अभी तक हमने कश्मीरी पॉपुलेशन के साथ में इस एलसी को प्रोटेक्ट करा है। हमारे जो दुश्मन बाहर से हमारे ऊपर अटैक करते हैं, अंदर से अटैक करते हैं, उनके साथ में लड़ाई लड़ी है और हर बार फतेह हासिल करी है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, कृतज्ञ हूँ अपने सभी कश्मीरी भाइयों का, बहनों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, जिन्होंने जब से ये स्वर्ण विजय मशाल वीर पंजाल से उत्तरी दिशा में कश्मीर वैली में आई है, पिछले तकरीबन 20 से 30 दिनों के बीच में जिस हिसाब से लोग उमड़ के आए हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हर जगह पर, भले ही श्रीनगर का टाउन हो, भले ही किरण सेक्टर हो, तंगधार हो, या गुरेज तिलेल वैली हो, या साउथ कश्मीर हो, या नॉर्थ कश्मीर हो, हर जगह पर लोग भीड़ उमड़ी है इसको रिस्पेक्ट देने के लिए। ये बहुत सही तरीके से एक जताता है कि जो एक सिटीजन सोल्जर कनेक्ट है हमारा, काफ़ी अच्छी तरह कायम है। हम दो दिल हैं और एक आत्मा यहाँ पे मिलकर के साथ में काम कर रहे हैं।